Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today's video is going to be very, very different, at least for me, because काफी सारे मैं influencers, creators को देखती हूँ Bollywood celebrity recreation करते हुए, but मैंने आज तक कभी नहीं किया. So this is my first ever video जिसमें मैं एक Bollywood celebrity look को recreate करने वाली हूँ. अगर ये अच्छा जाता है ना तो मैं और करने वाली हूँ future में. So the Bollywood celebrity that I have picked is Sara Ali Khan. First of all, I love her bubbly, chirpy personality. I love how blunt she is. I just love people who are blunt and on face. Coffee with Karan का episode सबको याद ही होगा. इस look की बात की जाए, मैंने ये look क्यों choose करी है, because ये suit मेरे पास है. मैंने जैसे ही लिबास के ad में देखा था ना, मैंने Rajouri में एक store में देखा था, and I literally went inside. I asked कि ये suit available है. They said yes, available है, और ये 50% off पर है. मतलब कभी कभी किस्मत इतनी मेहरबान हो जाती है ना. ये बात मेरी आई थिंक शादी सगाई से दो दिन पहले की है. मैं जब नेल्स कराने गई थी, मैं Rajouri गई थी, तो मुझे वहाँ पे स्टोर में दिख गया and I instantly tried it and picked it up. So ये है सबसे पहले तो सूट, बिकॉज बॉलीवुड लुक रिक्रिएट कर रहे हैं तो आउटफिट भी सेम होना ही चाहिए. सो दिस इज द लिबास सूट, बाय द वे बहुत प्रिटी है, इसमें बहुत सुंदर काम है, एंड द कलर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. ये कलर मेरा फेवरेट है बाय द वे. मुझे ऐसे येलोविश स्टोन वाले कलर बहुत अच्छे लगते हैं. सो दिस इज द सूट. देन वी हैव द दुपट्टा जो काफ़ी प्रिटी है. वी हैव द प्लाजो एज वेल, जो ऐसे क्रिम क्रिम वाली है. प्लाजो दुपट्टा तो आपको ऑब्वियसली फ्रेम में दिखने नहीं वाला, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ. सो फटाफट से चेंज करते हैं, बिकॉज सेलिब्रिटी रिक्रिएशन कर रहे हैं तो आउटफिट भी सेम होना चाहिए, एंड देन वील मूव ऑन टू द हेयर एंड मेकअप पार्ट. एंड दिस आवर looks on me. Let's move on with the hair first, because makeup इसमें काफ़ी simple है, लेकिन hair जो है ना उसमें आपको दो तीन चीज़ें tips, advices देना चाहती हूँ, so that आप भी अच्छे से hairstyle carry कर पाओ. मुझे काफ़ी comments आते हैं कि straight hair भी कैसे maintain रखते हो आप, because गर्मी है, काफ़ी बार frizziness बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं. मेरे बाल texture काफ़ी ज़्यादा है, straight hair काफ़ी बार suit नहीं करते, and अगर ऐसी straightening कर दो बाल जल जाते हैं, damage हो जाते हैं. So I always make sure कि मैं अच्छे से step by step follow करूँ straightening में भी, and you also need to follow all these steps. अदरवाइज आपके हेयर डैमेज होने के चांस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ओपन माई हेयर. दीज आर माई सेकेंड डे वॉश्ड हेयर आई थिंक, एंड द हेयर आर डिसेंट इनफ. आई यूज द बी ब्लंट रेंज. मैंने इनका शैम्पू एंड कंडीशनर यूज किया था. लव हाउ स्मूथ दे मेक माई हेयर. ओके, सो स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर वन, आई विल बी यूजिंग द हीट प्रोटेक्शन मिस्ट, एंड फॉर दैट यू गाइज नो मैं कौन सा ब्रांड ट्रस्ट करती हूँ. इट हैज टू बी ब्लंट, और मेरे पास दो दो है लिटरली. ये इतना हो गया है, ये मैं अपने माइके से लेके आई थी, ये इतना हो चुका है, इतना सा बचा, और ये है न्यू वाला. सो आई ऑलरेडी have the backup right here. This is so good. I think आप basic hair styling भी नहीं करते ना, अगर आप खाली blow drying करते हो ना, मैं आपको तभी भी recommend करूंगी कि heat protection mist रखा करो, because blow dryer से भी जो heat आती है वो भी बहुत ज़्यादा damaging होती है आपके बालों के लिए. आपके बाल weak हो सकते हैं, उससे जल सकते हैं. So make sure you always spray heat protection mist on your hair. So ये है Bee Blunt का salon like hair hot shot heat protection hair mist. This is for all hair types by the way. It has a goodness of pro vitamin B5 and grape seed oil. This hair mist protects your hair from heat up to 230 डिग्री सेल्सियस. इसमें एक यूनिक हीट प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे आपके बाल प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, प्लस ये डी टैंगल भी करता है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. मतलब इसको लगाने के बाद काफी अच्छी खुशबू आती है. दैट इज हाउ आई यूज इट. सिंपली स्प्रे किया, उसके बाद कॉम कर लेती हूँ. आप थोड़ी देर रुक भी सकते हो, सो दैट ये अच्छे से सिंक इन हो जाए आपके बालों में. ज्यादा भर भर के भी स्प्रे नहीं करना है. इसका स्प्रे मुझे काफी अच्छा लगता है, तो काफी इवन स्प्रे हो जाता है. अप्लाई द हॉट शॉट मिस्ट. माई हेयर आर काइंड ऑफ ड्राई नाउ. थोड़ी देर वेट करना चाहिए अप्लाई करने बाद, बिकॉज हल्के से गीले होते हैं. नाउ आई बी स्ट्रेटनिंग माई हेयर, बिकॉज यू कैन सी सारा अली खान है इसमें एकदम स्ट्रेट हेयर करे हुए, एकदम स्लीक वाले. सो मेरे हेयर नेचुरली भी ठीक है, ज्यादा वेवी नहीं है. नीचे आके मेरे बाल काफी ज्यादा वेवी हो जाते हैं. सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ ईयर सेक्शन, एक सेक्शन लेती हूँ ईयर के पास से, एंड आई जस्ट पार्टिशन इट लाइक दिस. यू कैन सी मैंने बैक से यहाँ पे एक बन बना लिया, और ये जो नीचे के बाल हैं इसको मैं अगेन डिवाइड करने वाली हूँ इंटू टू पार्ट्स. सो दैट्स हाउ आई डू स्ट्रेटनिंग. मैं ऐसे ऐसे करके एरिया लेती रहती हूँ, लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम ईयर, देन आई यूज दिस एरिया, फिर मैं ऊपर क्राउन एरिया पे आती हूँ. ऐसे करके आप हेयर स्ट्रेटनिंग करोगे ना तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई यूज अ ब्रश लाइक दिस, ताकि अच्छे से सेपरेट हो जाए सारे बाल, एंड देन आई टेक माई हेयर स्ट्रेटनर. इसको मैंने सेट कर लिया अपने डिजायरेबल टेम्परेचर पर जो मुझे चाहिए. सो मैं ऐसे करके जस्ट स्ट्रेटन करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का हल्का ही करने वाली हूँ, बिकॉज ओवर स्ट्रेटनिंग भी नहीं करनी. यू कैन सी द इमेज, उन जो सारा अली खान के बाल हैं वो काफ़ी अच्छे बाउंसी हैं, बिल्कुल पोकर स्ट्रेट भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट येट एक अच्छा बाउंस है बालों में. सो मैं बस ऐसे ही करने वाली हूँ. सारा अली खान ने साइड पार्टिशनिंग किया हुआ है, इसलिए मैंने भी हल्का सा एक साइड ले लिया, प्रॉपर साइड नहीं लिया, और अब मैं खाली फ्रंट के एरिया अच्छे से प्रेस करने वाली हूँ. यू कैन गो रैंडमली एज वेल. हेयर आर काइंड ऑफ स्ट्रेट नाउ, और अभी भी जो हीट प्रोटेक्शन मिस्ट की खुशबू है ना वो मेरे बालों में से आ रही है, विच इज रियली नाइस. काफी बार जब आप हीट प्रोटेक्शन स्प्रे स्किप कर देते हो, एक तो आपके बाल जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, प्लस पोस्ट स्ट्रेटनिंग के बाद भी एक जली हुई स्मेल आती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती. इमेजिन आपको
फंक्शन में जा रहे हो, आपके साथ कोई खड़ा है और आपके बालों में से जली हुई स्मेल आ रही है. सो इस हीट प्रोटेक्शन मिस्ट की सबसे बेस्ट बात यह है, इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू है जो बालों में अच्छी तरह स्टे करती है. सो माई हेयर आर रेडी. बट एक प्रॉब्लम है, क्या होता है ना, यहाँ पे हो जाते हैं फ्लाई अवेज, या छोटे छोटे बाल देख रहे हो ऐसे खड़े रहते हैं. अभी इतना नहीं दिख रहा बिकॉज पीछे से भी लाइट आ रही है, बट अगर आप साइड से कभी लाइट पड़ती है, आप कोई अच्छे इवेंट फंक्शन में जा रहे हो, ऐसे छोटे छोटे फ्लाई अवेज खड़े रहते हैं ना, अच्छे नहीं लगते. और आप कोई भी सेलिब्रिटी देखोगे ना, दे ऑलवेज हैव रियली नाइस स्लीक हेयर, एकदम पोकर, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कोई भी फ्लाई अवेज नहीं होते. सो उसका भी एक सीक्रेट है, बी ब्लंड का हॉट शॉट होल्ड स्प्रे. दिस इज अगेन फॉर हेयर स्टाइलिंग पर्पज, डिलीवर्स इंस्टेंट होल्ड विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू. सो बेसिकली वैसे होल्ड स्प्रे है बिकॉज ये कर्ल्स को भी होल्ड करके रखता है. सो अगर आपने कोई भी तरह के कर्ल्स करे हैं, चाहे एकदम पतले वाले, मोटे बीची वेव्स करे हो, जैसे भी तरह के कर्ल्स करे हो, अगर आप ये स्प्रे करोगे ना तो आपके कर्ल्स काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे ऐसे स्ट्रेट हेयर हैं, बहुत जल्दी कर्ल्स खुल जाते हैं अगर मैं स्प्रे नहीं करती. इसको स्प्रे करने के बाद मेरे कर्ल्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. अगर मैं फ्यूचर में कभी कर्ल्स करूँगी ना तो मैं आपको डेफिनेटली तब प्रूफ दिखा दूंगी. बट फॉर नाउ मैं आपको एक और हैक इसका दिखाने वाली हूँ. सो व्हाट यू गोना डू इज, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना नॉर्मल ब्रश लेना है, लाइक ऐसे जो प्लास्टिक वाले ब्रश होते हैं ना, वैसे वाले कोम ले सकते हो, एंड जस्ट स्प्रे ऑन टू दिस. सो आप ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर जो फ्लाई अवेज हैं, यू कैन जस्ट टेम इट डाउन लाइक दिस. और इससे बिल्कुल भी कोई रेसिड्यू नहीं रहता, लाइक यू कैन सी इंस्टेंट एक शाइन तो आ गई है, प्लस जितने भी मेरे फ्लाई अवेज थे वो काफ़ी अच्छे से टेम डाउन हो गए हैं. सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस वन. अगर आपने वैसे भी कोई कर्ल्स करे या फिर आपने कोई पीछे बन बनाया है, काफ़ी बार हम कोई बन भी बनाते हैं ना, हमारे बाल ऐसे बाहर निकल जाते हैं, सो उसके ऊपर भी आप ये स्प्रे करके हाथ से उसको ऐसे टेम डाउन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से टेम डाउन हो जाएगा और इसका कोई भी रेसिड्यू नहीं है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट. बी ब्लड के कोई प्रोडक्ट का रेसिड्यू नहीं होता. अगर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट वी आर रिक्रिएटिंग अ बॉलीवुड लुक, तो हमें एकदम बॉलीवुड स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा. सो क्या होता है ना, आप कोई भी सेलिब्रिटी को देखोगे, हमेशा हम यही कहते हैं इनके बाल इतने शाइनी कैसे लगते हैं, फ्लैश जब पड़ता है उनके बाल ऐसे शाइन करते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कोई ट्रीटमेंट कराई हो. सो फॉर दैट नाइस ल्यूमिनस एंड शाइनी इफेक्ट, आई विल बी यूजिंग द बी ब्लंड हॉट शॉट फिनिश स्प्रे. ये रेडियंट शाइन के लिए, बाय द वे ये क्लेम करता है डिलीवर इंस्टेंट शाइन एंड हेयर ल्यूमिनोसिटी. सो आपको कुछ नहीं करना, आपका जब एक बार हेयर स्टाइल पूरा रेडी हो जाएगा, अच्छे से अपने बाल सेट कर लेना, आपको आगे रखने पीछे रखने, जस्ट शेक दिस बॉटल लाइक सो और अपने पूरे बालों में आपको स्प्रे करनी है. सो यू कैन स्प्रे इट ऑन योर हेयर लाइक सो. अगेन इसका भी कोई रेसिड्यू नहीं है, एंड दिस इज जस्ट प्रोवाइड योर हेयर नाइस शाइन. लाइक इसको लगाती है आपके बालों में एक बहुत अच्छी शाइन आने वाली है, विच यू कैन क्लियरली सी. लाइक अभी लाइट भी पड़ेगी तो ये काफ़ी अच्छे से शाइन करते हैं, प्लस इससे आपके बाल दोबारा सेट भी हो जाते हैं. सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल रेंज. आई लव हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स. काफ़ी बार हम जल्दी जल्दी में प्रेसिंग करके चले जाते हैं, सबसे पहले हेयर डैमेज होता है, उसके बाद वो हेयर स्टे भी नहीं करते आपके. काफ़ी बार स्ट्रेट हेयर भी अगर नहीं अच्छे से होते तो कर्ल ही वापस हो जाते हैं, उसमें कर्ल्स बनने शुरू हो जाते हैं. सो मेक श्योर आप ये तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो करो, फ्रॉम हीट प्रोटेक्शन टू लॉकिंग योर हेयर रियली वेल एंड देन एडिंग द शाइन टू योर हेयर. सो डेफिनेटली आप ये रेंज चेकआउट कर सकते हो, बी ब्लंड की आपको ये रेंज मिल जाएगी बी ब्लंड की ऑफिशियल वेबसाइट से. मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, यू कैन यूज माई कोड Kashika2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ. बट इसके अलावा आपको ये Amazon, Nykaa एंड Flipkart पर भी मिल जाएगा, सो आप ये वहां से भी परचेज कर सकते हो. ऑल्सो देयर इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव जो बी ब्लंड रन कर रहा है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम बी ब्लंड दे विल लिंक योर ऑर्डर टू द वुमेन दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लंड शाइन अकेडमी and their mission on to empower 10,000 women across the nation. So this is also good. तो अगर बी ब्लड की ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो आप कहीं ना कहीं एन जी ओ के लिए भी वर्क कर रहे हो. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. माई हेयर आर रेडी नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप पार्ट. लेट्स रिक्रिएट द मेकअप लुक नाउ. सारा अली खान की सबसे बेस्ट बात ये है, वो बिल्कुल भी लाउड मेकअप नहीं करती. लाइक इसमें भी अगर मैं जूम इन करूँ अच्छे से, वैसे तो पिक्सलेट हो रही है, बट जितना मैं देख सकती हूँ आईज पे हल्का सा एक लाइक न्यूडिश कलर का आई शेडो इफेक्ट है, थोड़ा सा काजल लगाया हुआ है, देन लिप्स काफी न्यूड है. सो डेफिनेटली वाली लुक हम रिक्रिएट कर सकते हैं. वह मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया था, सनस्क्रीन लगा ली थी, वो अभी मेरी स्किन पर है तो मैं बेसिक वो नहीं करने वाली. ये मैंने अपनी वैनिटी के अलावा एक्स्ट्रा में भी रखा था, इसको मैं डेफिनेटली रीपर्चेज करूंगी. सो इसमें अगर आप देखो, सारा अली खान ने बिल्कुल भी ग्लॉसी शाइनी वाला मेकअप नहीं किया हुआ. अगर किसी सेलिब्रिटी ने शाइनी वाला मेकअप किया होता है तो आप एल्यूमिनेटिंग वाला प्राइमर यूज कर सकते हो, बट ये वाला जो प्राइमर है ये एल्यूमिनेटिंग नहीं है, ये एक सिंपल क्रीमी प्राइमर है जो काफी अच्छा सा एक मैट इफेक्ट देता है, पोर्स को भी फिल
इन कर देता है, लाइक इसको लगाने के बाद पोर्स काफी अच्छे से फिल इन हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, आई विल बी यूजिंग द डेली लाइफ फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। आई एम इन द शेड संडे। ये हल्का सा लाइट है मेरी स्किन पर, मतलब इट्स नॉट लाइक एन एग्जैक्ट मैच, बट मैंने देखा है जब भी मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके बाद एकदम पूरा मैच पे आ जाता है। सो इसके भी सेम वही यही है, जब ये अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाता है ना तो काफी अच्छे से मेरी स्किन टोन पर आ जाता है। यू गाइस नो द ट्रिक, मैं हमेशा फाउंडेशन ऐसे ही लगाती हूँ, अच्छे से उसको मेल्ट करती हूँ हाथों पर, बिकॉज काफी बार जो फाउंडेशन होता है वो बॉटल में सॉलिडिफाई हो जाता है, ब्लेंड नहीं होता, तो मैं हमेशा हाथों पर लेकर अच्छे से देन आई जस्ट ब्लेंड इट इन टू माई स्किन लाइक सो। सो मैं भी टैपिंग मोशन करूंगी सो दैट ये अच्छे से मेरी स्किन में चला जाए। काफी बार जब आप डायरेक्टली ब्रश यूज करते हो या फिर ब्लेंडर यूज करते हो, ब्लेंडर क्या करता है सारा सोकअप कर लेता है और आपको एक फुल कवरेज अचीव नहीं होती। अगर आपको कंसीलर करेक्टर कुछ नहीं लगाना, आपको फाउंडेशन से एक फुल कवरेज अचीव करनी है, मेक श्योर आप सबसे पहले हाथों से ब्लेंड करो ताकि एक अच्छी कवरेज पहले क्रिएट हो जाए। दिस हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर ब्लेंडिंग, यू कैन सी कितनी नेचुरल फिनिश आई है, कवरेज बहुत अच्छी मिली है, मैंने कोई करेक्टर कंसीलर नहीं लगाया, स्टिल काफी अच्छी कवरेज मिली है। सो दिस इज रियली नाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आईज पार्ट। सो अगर आप इस इमेज में जूम इन करके देख सकते हो, मुझे वैसे ज्यादा जूम इन करके पता नहीं चल रहा बिकॉज पिक्सलेट हो रही है, बट इफ आई कैन सी आई कैन सेंस कि उन्होंने थोड़ा सा नीचे काजल लगाया हुआ है और ऊपर एक पिंकिश लाइक जो न्यूड्स जैसा टोन होता है ना वैसा एक आई शेडो लगाया हुआ है दिस पर्टिकुलर शेड, बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा ना एक हिंट इन दोनों का यूज किया हुआ है पिंक टोन में, पिंकिश ब्राउनिश जो होता है इस वाले शेड में और थोड़ा सा इस वाले शेड, लाइक आई विल बी यूजिंग बोथ शेड। हल्का हल्का डिप कर लेती हूँ एंड देन आई एम जस्ट गोना क्लोज माई आईज एंड ब्लेंड इट। दैट सेट, कोई भी उन्होंने शिमर नहीं लगाया हुआ, कुछ भी लाउड नहीं लगाया हुआ, बहुत सिंपल उसको लुक को रखा हुआ है। और आजकल मेकअप ही ऐसे चलते हैं, लाइक मेकअप आजकल बहुत सिंपल हो चुके हैं, अब कोई भी बहुत ज्यादा लाउड जहरी वाला मेकअप नहीं करता। लो वॉटर लाइन पे उन्होंने काजल लगाया हुआ और हल्का सा उसको स्मोकी जैसा किया हुआ है, सो मैं भी काजल यूज करने वाली हूँ। सो आई एम गोना फिल इन माय वॉटर लाइन विद दिस वन। ये तो काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है लेकिन उनका जो काजल था वो बहुत स्मोकी जैसा काजल था, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ, एकदम पतला सा ब्रश है ये, तो मैं इसे हल्का सा इसको स्मोकअप करने वाली हूँ बिकॉज सारा अली खान ऑलवेज डू स्मोकी आई लुक, तो मैं हल्का सा इसको स्मोकअप कर रही हूँ। ऑफ कोर्स एडिंग सम मस्कारा, लेकिन उससे पहले ज़रा लैशेस को थोड़ा कर्ल कर लेते हैं बिकॉज इसमें उन्होंने कोई भी लाइनर विंग लाइनर कुछ नहीं लगाया हुआ, हल्का सा आई शेडो काजल, दैट्स इट। And that's it. बहुत हल्का लगाया जो इतना पता भी नहीं चल रहा। Now for eyebrows, I'm leaving my brows like this because उनकी भी काफ़ी naturally पतली पतली brows हैं, बिल्कुल भी overlining या फिर thick नहीं किया हुआ, मेरी भी naturally ऐसी हैं, इसको मैं पतला तो और कर नहीं सकती obviously, so I'm gonna leave my eyebrows like this. Now moving on to the blush part, you can see in the image उनका मतलब blush बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, it is very natural, very light. मैं use करने वाली हूँ बड़ा सा brush। आजकल मुझे trick पता चल गया, अगर अपने blush को natural दिखाना है ना तो एक बड़ा सा blush ब्रश लो सो दैट वो एक जगह से डिपॉजिट ना हो, एक नेचुरल वाली फिनिश आए। सो मैं यही करने वाली हूँ, अपने ब्लश में हल्का हल्का ऐसे डार्क करूँगी और हल्का सा हाइलाइटर ले रही हूँ बिकॉज उन्होंने हाइलाइटर नहीं यूज़ किया हुआ वैसे, बट मैं हल्का सा हाइलाइटर में टच कर रही हूँ सो दैट एक अच्छा सा ग्लो आ जाए एंड देन आई एम गोना यूज़ इट। बहुत हल्का करने वाली हूँ बिकॉज उनके इमेज में बिल्कुल भी ब्लश दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, तो मैं भी ओवर नहीं करूँगी। बहुत जूम इन एंड सी हर लिप्स, वैसे तो पता बिल्कुल नहीं चल रहा बट काफ़ी नेचुरल है, हल्का सा एक पिंक न्यूड वाला टच आ रहा है। फाइनल मेकअप लुक, आई थिंक काफी क्लोज जा चुके हैं हम सारा अली खान के मेकअप लुक से, ऑब्वियसली हर फेस कट एंड माई फेस कट इज वेरी डिफरेंट, बट सॉर्ट ऑफ मैंने कोशिश करी है उसको रिक्रिएट करने की। अब रिक्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। यू कैन सी सारा अली खान ने गले में कुछ नहीं पहना हुआ, मैंने ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट मंगलसूत्र डालो है जो अभी नहीं निकालने वाली, बट उन्होंने इयर रिंग्स पहने हैं, सो फॉर इयर रिंग्स आई विल बी वेयरिंग दीज कुंदन इयर रिंग्स जो मेरे ब्राइडल सेट के हैं। बाय द वे मैंने दो लेयर का ब्राइडल सेट पहना था, तो उसमें जो एक छोटी वाली लेयर थी ऊपर उसके छोटे इयर रिंग थे, सो ये उसी का ही इयर रिंग है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें इमेज में भी जो सारा अली खान ने पहने हैं वो ऐसे छोटे वाले इयर रिंग है, सो मैं यही वाले पहनने वाली हूँ। दिस इज द फाइनल लुक। आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिक्रिएट बट जितना कर सकती थी उतना ही कर पाई। डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। आपको अगर ऐसी बॉलीवुड रिक्रिएशन और देखनी है, देखनी किसकी मैं रिक्रिएट करूं, अगर आपके दिमाग में कुछ है, आपने किसी के लुक देखे जो आप चाहते हो मैं रिक्रिएट करूं अपने अंदाज में, सो प्लीज लेट मी नो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेकअप से लेके हेयर केयर तक बी ब्लड की जो भी पूरी रेंज है आपको इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक कर लेना। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।